हाय फ्रेंड, आज हम लोग आए एसी सर्विस के लेने के लिए। तो ये लॉयड का एसी है, तो सर्विस करने से पहले हम इसको ऑन करके चेक करेंगे कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इससे पर सबसे पहले हम एमसीबी को ऑन करेंगे एसी चालू करने के लिए। एमसीबी ऑन कर दिए। एमसीबी ऑन करने के बाद हम रिमोट से एसी को ऑन करेंगे। ये एसी ऑन कर दिए। कभी भी एसी सर्विस करने से पहले आप एसी को ऑन करके चेक कर लें कि एसी में कोई कंप्लेंट तो नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि साइड पे आते ही एसी सर्विस चालू कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम रहा तो अपने ऊपर आ जाता है। इसलिए कभी भी सर्विस करने से पहले एसी को ऑन करके चेक कर लें। अभी एसी हमने ऑन कर दिया है, 3 मिनट बाद आउटडोर चालू होगा, उसके बाद हम लोग चेक करने के बाद सर्विस स्टार्ट करेंगे। तो एसी हमने चेक किया, एसी का कूलिंग बराबर है, हम इसको ऑफ करेंगे। ये हमने एसी को ऑफ किया। रिमोट से ऑफ करने के बाद हम मेन स्विच को भी ऑफ करेंगे, उसके बाद हम सर्विस स्टार्ट करेंगे। इसके पास ये देखिए फ्रेंड, अब ये जो लॉक है इसको हम पूरी तरह प्रेस करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इधर। और एक ही जो लॉक रहेगा ऐसे खोलेंगे, इसको फिल्टर निकालेंगे। एक इधर स्क्रू है और एक इधर आ गया। ये डिस्प्ले का वायर है, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे पहले। ये डिस्कनेक्ट हो गया। इसका लॉक ऊपर आता है, इसे हाथ डाल के इसे प्रेस करके बाहर आ गई। इसका डिस्प्ले है, हम डिस्प्ले को इसको भी खोलेंगे, नहीं तो ग्रिल धुलेंगे तो इसमें पानी चला जाएगा, इसलिए डिस्प्ले का स्क्रू खोल के डिस्प्ले को बाहर ले लेंगे। डिस्प्ले को हमने बाहर ले लिया। अभी जितने ग्रिल है, ये ग्रिल सब हम लोग पानी से वॉश करेंगे। सर्विस हो गया, अब हम ग्रिल को फिटिंग करेंगे। ये देखिए, जैसे खोले तो वैसे वापस से फिटिंग करने जा कर रहे हैं। देखिए ऊपर लॉक है, इसको प्रेस करेंगे, लॉक बैठ जाएगा। फिर इसका स्क्रू हम लगाएंगे। नीचे 2 स्क्रू है और ऊपर 3 स्क्रू है, टोटल इसमें 5 स्क्रू है।
जैसे निकाले तो वैसे जो आप उस मशीन को लगा देते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले को हम लगा देंगे। सर्विस कंप्लीट हो गया, अब हम इसको ऑन करके वापस चेक करेंगे। ये इसको ऑन करेंगे। रिमोट से ऑन करेंगे। ए सी ऑन हो गया। ये आप जो डिजिटल बिलिंग कर रहे हैं देख रहे हैं, वो बिलिंग नहीं हो रहा है, वो कैमरे को जैसे बिलिंग दिखा रहे हैं, वो बिलिंग नहीं हो रहा है। तो आप ये ना सोचें कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, बिलिंग कर रहा है, एसी में सही दिखा रहा है, कैमरे को जैसे लाइट बिलिंग दिखा रहा है। अगर हमारा सर्विस कंप्लीट हो गया तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।